धर्म का अभिप्राय क्या है, धर्म पालन का फल क्या है। सुख भोग प्राप्त करने के लिए धर्म नहीं है भाई, बड़ी भूल होती है। इसलिए मैं कहता हूं, आपसे बार बार कहता हूं, धर्म पाप धोने की सुविधा नहीं देता। दुर्व्याख्या होती है धर्म की यहां से, तब इस प्रकार का मति भ्रम समाज में फैलता है। क्यों जा रहे हैं गंगा नहाने, पाप धुलेंगे। तो धर्म कोई पाप धोने की सुविधा नहीं देता है भाई, किस लिए है धर्म? शरीर का सुख भोग प्राप्त करने के लिए धर्म का पालन है, धर्म का अनुष्ठान है ना भाई। धर्म का एक ही फल है, जहां लगी साधन वेद बखानी, सब कर फल हरि भगति भवान। मेरी बात कौन कह रहा है? ये बात महादेव कह रहे हैं। जहां लगी साधन वेद बखानी, सब कर फल, सब कर फल। कहते हैं तुलसी बाबा, सब कर मांगो एक फल, राम चरण रति हो। एक फल, अगर कोई को पूछे ना फल क्या है, तो संसार में तो अनेक अनेक फल है ना, है ना। पर उनका रस कैसा है, स्वाद थोड़ी देर का रहता है। जब जब शास्त्र की बात आती है, जब महत्पुरुषों का चिंतन आता है, तो कह रहे फल क्या है। कह रहे फल तो प्रभु के चरणों का जो अनुराग है ना, बस वही फल है, क्योंकि रस उसी में है। फल एक है, फल एक है, साधन सिद्धि। ये साधन की सिद्धि है, राम पग नेहू। और आपको कल मैंने निवेदन किया था, प्रेम अर्थात, यू तो अनिर्वचनीय प्रेम स्वरूपम, प्रेम अर्थात नयनम गलदश्रुधारया। मैं तो आपको एक बात बता दूं भाई, हजार हजार गोता लगाओ तीर्थ में जाकर, मुझे नहीं, मुझे खबर नहीं है कि मन मन निर्मल होता है नहीं होता है, वो तो भाई लगाने वाला जाने, उसको जो मिलता होगा। पर मेरा छोटा सा अनुभव तो ये कहता है कि जब जब प्रभु के प्रेम में, जब 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 परमात्मा के वियोग में ये आत्मा रोती है ना, जब जब प्रभु के विरह में छल छल छलाते हैं नेत्रों से अश्रु, चैतन्य महाप्रभु दोनों हाथ फैलाकर यही दान मांग रहे हैं, नयनम गलदश्रुधारया, वदनम गदगद रुद्धया गिरा। हे प्रभु, कब ऐसा दिन आएगा आपको पुकारते पुकारते मेरा कंठ स्वर अवरुद्ध हो जाएगा। वदनम गदगद रुद्धया गिरा, पुलकैर निचितम वपुः कदा, तव नाम ग्रहणे भविष्यति। जैसे ही मैं कृष्ण कहूंगा, हे कृष्ण, हे नाथ, हा रमण, कहते बस आपका नाम उच्चारण करते ही मेरी ऐसी दशा कब होगी, ये प्रसाद मुझे कब मिलेगा। सब कर मांगूं एक फल, राम चरण रति हो, ये प्रसाद मुझे कब मिलेगा।